फ्री गेम सब सभी का स्वागत करता है आज की नई वाली वीडियो में। आज हम लोग फिर से एक महीने के बाद अपने माइनक्राफ्ट के हार्डकोर वर्ल्ड में मारने वाले हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपने लिए फुल्ली डायमंड का आर्मर, क्योंकि हमें अगली वाली वीडियो में जाना है सीधा एंडर ड्रैगन को मारने। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले अपने फुल्ली डायमंड का आर्मर, और इसमें हम लोग माइनिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इस बार हम कुछ अलग तरीके से डायमंड का आर्मर लेने वाले है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने ये रेड फार्म बनाया था जो हमें काफी सारे एमरल्ड और टोटम दे रहा था, और आज की इस वाली वीडियो में भी हमें इसी का यूज करने वाले है। इसी की मदद से हम लोग अपना डायमंड का आर्मर बनाने वाले हैं। इसमें से हम लोग एमरल्ड क्राइम कर विलेजर से ट्रेडिंग करेंगे और उनसे लेंगे डायमंड का आर्मर। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम सभी विलेजर को एक साथ रख पाए और उनसे ट्रेडिंग इजीली कर पाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके लिए हमारे विलेज की बीच की जगह बिल्कुल ही बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर से जगह को क्लियर कर देते और यहाँ पर अभी के लिए हम बना लेते हैं टेम्पररी विलेजर ट्रेडिंग हॉल। तो अभी हमने यहाँ पर एक टेम्पररी विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाकर रेडी कर दिया है, और अभी हमें इसके अंदर लाने हैं विलेजर। तो जल्दी से लाते हैं विलेजर को, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली एक विलेजर को ट्रांसफर कर दिया है, और अब हम ऐसे ही करके बाकी के विलेजर को लाना है। उसके बाद हम लोग इनकी ब्रीडिंग करवा कर संख्या को बढ़ा देंगे। तो जल्दी से बाकी के विलेजर को यहाँ पर लेकर आते हैं। चार पांच विलेजर को यहाँ पर लाकर मैंने कैद कर दिया है, और अब हम इन लोगों के साथ करने वाले हैं स्कैम। हम लोग इसमें से एक विलेजर को बनाएंगे फार्मर, उसके पास से हम लोग खरीदेंगे ब्रेड। ब्रेड को खरीद कर हम लोग इनको ही देने वाले हैं ताकि ये लोग ब्रीडिंग करें, और ब्रीडिंग के लिए ब्रेड भी हम लोग इनके विलेज से ही चुराने वाले है। तो चलो जल्दी से इन लोगों को लूटना स्टार्ट करते है। और एक बात और, यहाँ पर हम लोग विलेजर को ही नहीं पिलेजर को भी आज लूटने वाले हैं। पिलेजर के आउटपोस्ट से हम लोग यहाँ पर वूल चुरा लेते हो, इसका भी हम लोग बेड बनाएंगे और ये हमारे काम आएगा ब्रीडिंग में। तो चलो यहाँ पर से भी वूल चुरा लेते और इसका हम लोग बेड बनाकर लगाते अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में। पता नहीं, लेकिन ऐसी हरकतें करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वूल लूट रहे तभी इसी में से एक बंदे को यहाँ पर पता चल चुका है हमारे स्कैम के बारे में, और ये अब हमारे पीछे पड़ चुका है। और यहाँ पर मैंने बहुत ही फालतू स्टोरी बनाई है, इसके लिए सॉरी, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को यहाँ पर से भागना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास आयरन का आर्मर है और टूल वूल कुछ नहीं है। अगर दो तीन लूटेर और आ गए तो हमारे यहाँ पर आखिरी दिन भी हो सकता है हार्डकोर में। और यहाँ पर इसी के साथ हमारी भविष्यवाणी भी सच हो चुकी है। अच्छा वो हमारे पास एक्स्ट्रा टोटम थे, वरना आज हम लोग मर ही जाते। तो यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। चलो कोई बात नहीं, पिलेजर को हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी के लिए हम लोगों को वूल चाहिए। तो यहाँ पर दो शिप हमें मिल चुकी है, तो इन लोगों को हम लोग बांध देते हैं और इन लोगों से हम लोग टाइम पर वूल कलेक्ट करते रहेंगे आते जाते। और सामने की तरफ हमारे पास रेयर पिंक शिप भी है, जो कि हमें नेचुरली पहले एपिसोड में मिली थी जब हम लोग आयरन फार्म बना रहे थे। अगर आप लोगों ने वो वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग अभी वूल कलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को विलेजर को भी ब्रीडिंग करवानी है। तो सभी काम एक साथ करते हैं, और साथ ही साथ हमें एक और काम भी करना है, जो कि हमें रेड फार्म में रेड कराकर एमरल्ड भी कलेक्ट करने हैं। तो चलो जल्दी से काम पर लग जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर फार्मर के पास चले थे काफी सारी ब्रेड, और इन लोगों को देखकर इन लोगों से ब्रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो इन लोगों को ब्रेड देने के बाद यहाँ पर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया है। एक दो बेबी तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और पता नहीं मैं इन लोगों को बेशर्मों की तरह यहाँ पर क्यों देख रहा हूँ। यहाँ से हम लोग निकलते, इन लोगों को इनका काम करने देते। तो यहाँ पर एक आर्मर भी मैंने बना लिया है, और इसी के पास से हम लोग आज अपना डायमंड का आर्मर लेने वाले। अगर हमारे लक ने साथ दिया तो थोड़ी ही देर में हमें डायमंड का आर्मर मिल जाएगा, लेकिन अगर ट्रेड कुछ अच्छी नहीं हुई तो हमें विलेजर को चेंज करना होगा, इसी में टाइम लगने वाला है। तो अब हम रेड फार्म में चलते और एमरल्ड इकट्ठा करते, और करते इस आर्मर को मैच।
तो यहाँ पर इस आर्मर को मैक्स करने के बाद ये हम लोगों को दे रहा है डायमंड के बूट्स और डायमंड की चेस्ट प्लेट। ऐसे ही हम लोगों को एक और आर्मर को मैक्स करना है ताकि हम लोगों को हेलमेट और लेगिंग भी मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोगों को एक और आर्मर को मैक्स करना होगा, उसके बाद हमारा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं बोल तो ऐसे रहूँ जैसे कि ये काम बहुत ही आसान है, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मुझे यहाँ पर रेड फार्म से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी एंचेंटमेंट बुक मिली थी जिसको मैं साथ लेकर आया हूँ, और इसको भी हम लोग जिसमें भी लगते हैं उसमें लगा देते हैं, और इसी बुक से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इससे हमें आगे जाकर और अलग से बुक ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पर लूटिंग की और फायर एक्सपर्ट की बुक मिली है, इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसको हम लगा देते हैं स्वॉर्ड में। तो जब हम लोग पहली बार स्ट्रिप माइनिंग पर गए थे तो वहाँ पर से हम लोग को कुछ डायमंड मिले थे, उसी का यूज़ करके मैंने यहाँ पर एक डायमंड की स्वॉर्ड बना ली है और इसी पर लगा देते हैं ये एंचेंटमेंट। तो इसी के साथ हमारी फायर एक्सपेक्ट और लूटिंग टू वाली स्वॉर्ड बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है रेड फार्म में से, अब हम लोगों को ज़्यादा एमरल्ड मिलेगी। तो जल्दी से फिर से लगते हैं ग्राइंडिंग करने। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे आर्मर बना लिया है, दो तीन आर्मर मैंने और भी न्यू बना लिए है, क्योंकि हम लोगों को एक आर्मर से पूरा आर्मर नहीं मिलने वाला है। हम लोगों को दो तीन बार और ट्राई करना पड़ेगा, आर्मर को मैक्स करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा डायमंड का आर्मर कंप्लीट होने वाला है। तो चलो फिर से लगते हैं ग्राइंडिंग पर और एमरल्ड कलेक्ट करते हैं और इन लोगों को करते हैं मैक्स। मैंने यहाँ पर एक और आर्मर को मैक्स किया था, लेकिन ये भी हम लोगों को सेम वही ट्रेड दे रहा है जो हम लोगों को पहले बार आर्मर दे रहा था। तो इसी का अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, अब हम लोगों को फिर से एक नया आर्मर बनाना होगा और उसको मैक्स करना होगा। तो फिर से आधे घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों ने फिर से आर्मर को मैक्स किया और ये हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेड दे रहा है। ये हम लोगों को दे रहा है डायमंड का हेलमेट जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डायमंड के हेलमेट को ले लेते और इसको रख देते हैं चेस्ट में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है डायमंड की लेगिंग्स की। तो चलो फिर से एक नया आर्मर बनाते हैं और उसको करते हैं मैक्स, और ये फिर से हम उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों को डायमंड की लेगिंग्स देगा। तो मुझे यहाँ पर रेड मारते मारते काफ़ी ज़्यादा बुक भी मिलती जा रही है, तो इन लोगों को लगे आज भी हम लगा देते हैं। अभी हमारे पास एक्स भी है, तो यहाँ पर हम लोगों को बो में लगाने के लिए कुछ एंचेंटमेंट बुक मिली थी, तो इनको भी हम लोग बो में लगा देते हैं और बो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं रेड मारने में। तो चलो जल्दी से बो पर लगा देते और फिर से लग जाते हैं ग्राइंडिंग पर। तो चलो फाइनली हम लोगों को दो तीन घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पर हम लोगों को मिल चुके हैं डायमंड की लेगिंग्स, और इसी के साथ हमारा डायमंड का आर्मर फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली हमारा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर आयरन का आर्मर निकाल दिया है और अब हम पहनते हैं अपने डायमंड के आर्मर को, और डायमंड के आर्मर में तो हमारा प्लेयर एक नंबर का चोर हीरो लग रहा है। और अभी हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आ चुका है फुल्ली डायमंड आर्मर, और हमारे पास टोटम की भी अब कोई भी कमी नहीं है। अब हम लोग विलेजर को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, और लास्ट वाला एक काम तो करना रह गया, जो हमारे पास आर्मर जो भी हमने ट्रेडिंग करके बचे थे आयरन के और चेन के आर्मर, उन लोगों को रखने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो चलो जल्दी से वो भी काम कंप्लीट कर देते हैं। तो हम लोगों को जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर आर्मर मिले थे, कुछ हमें चेन के आर्मर मिले थे तो कुछ हमें आयरन के आर्मर मिले थे, उन सभी को मैंने फेंकने की वजह यहाँ पर मैंने कलेक्शन में लगा दिया है, और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसे लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वाली वीडियो में हम लोग मारने जा रहे हैं एंडेड ड्रैगन को, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।